तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है, और मेरे सारे वीडियो देखना और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अगर हेल्पफुल होते हैं तो भाई मतलब दोस्तों के साथ शेयर करो और अच्छे से अपनी जेईई और नीट की तैयारी करते रहो यार। कहता है ये लॉन्ग यल रॉड है, ठीक है, वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसके पास कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पर। दिस इज़ अ लॉन्ग वायर रॉड ऑफ एल, कितना भैया, 100 मीटर, ठीक है, और इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाली जो है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, ये है 6.25 × 10^-4, ठीक है। यंग्स मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू 10^10, सब्जेक्टेड टू जो फोर्स है, इतना फोर्स लगा के इसको मैं पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या रॉड की लेंथ बढ़ेगी? जी बिल्कुल बढ़ेगी। रॉड की जिधर फोर्स लगता है, इस एंड पर फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर देखो, अगर रॉड के अंदर जाके देखोगे तो ओवरऑल तो रॉड की एल तो बढ़ी गई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इलॉन्गेशन, सबसे ज़्यादा लेंथ इधर बड़ा होगा, ठीक ना। यहाँ पे ये मिनिमम लेंथ यहाँ बड़ा होगा, मतलब जब मैं इधर से इधर जाऊँगा तो मोलिकुलर को, जो मोलिकुलर अरेंजमेंट, इलॉन्गेशन, रॉड में इलॉन्गेशन इंक्रीज होगी, ये बात आप पढ़े होंगे। ओवरऑल कुल मिला के कहें पूरे रॉड का, तो लेंथ बड़ा होगा, तो उस लेंथ की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? फार्मूला पढ़े हो गए, यंग्स मॉडुलस वाई इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल। तो इलॉन्गेशन जो डेल्टा एल की वैल्यू है, फोर्स अप्लाइड एल, एरिया क्रॉस सेक्शन एंग मॉडुलस वाई, तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू 250 न्यूटन, लेंथ है 100 मीटर, ठीक है ना, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 10^10, और यंग्स मॉडुलस 6.25 × 10^-4, ये वाली चीज़। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो डेल्टा एल की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/25 × 10^-9, मतलब जो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10^-3 मीटर आ जाएगी। तो इसमें से देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, तो 4 × 10^-3 मीटर डी ऑप्शन सही है, ये बाकी सारे गलत हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।